दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ रायगढ़ जिले के पत्रकारिता जगत के एक ऐसे भीष्म पितामह मौजूद हैं जिन्होंने पिछले 30 सालों से लगातार पत्रकारिता की सेवा की है। आपने रायगढ़ और पनवेल के बनते और संवरते भविष्य को भी देखा है, आपने उस दौर की पत्रकारिता को भी देखा और आज के डिजिटल दौर की पत्रकारिता को भी आप नजदीक से देख रहे हैं। आज भी आपकी कलमकारी जिंदा है, आज भी आप पत्रकारिता की सेवा में जुटे हैं। इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार समाजसेवी श्री माधव पाटिल साहब। सर पाटिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि लंबे समय से आप, तकरीबन 30 साल से भी ज्यादा समय से आप पत्रकारिता में सक्रिय हैं, कैसा रहा सफर आपका, कैसे इस क्षेत्र में आपका आना हुआ? हिंदी तो बोला लगे। हाँ यस। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं 79 से पहले कुलाबा जिला था, बाद में रायगढ़ हुआ। कुलाबा जिला में निर्धार करके एक साप्ताहिक वीकली निकलता था और कांग्रेस का मुखपत्र माना जाता था, उसमें उससे मैंने शुरुआत किया। बाद में उससे मैं शुरुआत किया और बाद में रायगढ़ जिला पत्रकार जो एसोसिएशन है वो उसका अध्यक्ष उस वक्त मीनाक्षी पाटिल थे, वो उससे मैं ट्रेजरर था। 12 बरस में ट्रेजरर था। अच्छा। और उस साल से पत्रकारिता शुरू किया शिवतेज में, जो साप्ताहिक अखबार था। हाँ, शिवतेज दैनिक था। दैनिक था, ओके। दैनिक था, उसमें काम किया और 90 से आज तक दैनिक सागर में काम करा। कैसा रहा सर ये सफर? इतने समय में उस वक्त पत्रकार कम होते थे। हाँ। और पत्रकारिता का तरीका भी बहुत ही सम्मानित था। अब आप क्या देख रहे हैं, उस दौर में कितनी कठिन थी पत्रकारिता? उस दौर में आप बोलते हैं बराबर है, पत्रकार कम थे लेकिन पत्रकार में इतनी पावर थी। कौन से ऑफिसर के पास गए, किधर गए, तो पत्रकार आए तो उसकी धांधल उड़ती थी। यस। उसका दबदबा था, आदरयुक्त दबदबा था, बिल्कुल भीति नहीं थी। दबदबा होता, दबदबा होता, धमकी नहीं। आज पत्रकारिता में सब आया है, खंडनी से सब प्रकार जो है, उल्टे पुल्टे सब चलते हैं। यस यस। उस वक्त की पत्रकारिता निर्भेल थी, प्रामाणिक थी। और उस वक्त से हमने पत्रकारिता नहीं तो व्रत बोलते हैं, जो व्रत करते हैं लोग, वैसा व्रत करके आज तक किया है। किन किन लोगों का सहयोग मिला उस दौर में आपको पत्रकारिता, किससे आपने सीखा? पहले तो पत्रकार से हुआ तो आप जग में नहीं है, दत्ताजीराव खानविलकर, नरेंद्र खानविलकर, और बाद में पत्रकार एसोसिएशन में माधवराव मंडलिक, वो भी जग में नहीं है, मीनाक्षी पाटिल, वो लोग ऐसे दोनों जो पत्रकारिता में दिग्गज माने जाते थे, ऐसे लोग थे। क्या चुनौती थी जब आप उस दौर में, क्योंकि तब इतने साधन नहीं हुआ करते थे और अखबारों में लिख कर भेजना और फिर उसकी फिर वो जो वो टाइपिंग का अलग अलग तरीका होता था, बहुत ही डिफिकल्ट था। आज की खबर अगर हम भेज रहे हैं तो 2-3 दिन बाद छपती थी, लेकिन फिर भी उसका अस्तित्व था। कितना कठिन था उस दौर में पत्रकार रिपोर्टिंग करना? इतना कठिन था का हम लिख के पोस्टर से भेजते थे, साप्ताहिक वीकली थे वो आते थे, और उस वक्त लोग अखबार करके पढ़ते थे, पेपर में आया है वो सब सच है, ऐसी लोगों की समझ थी। यस। हाँ, जो पेपर में आया है वो सही है, सही है। हाँ, ऐसी विश्वासता थी, आज नहीं है, आज नहीं है। यस। आपने एक जो बात कही कि जैसे मैंने पहले कहा कि पहले अखबारी कागज होता था, उस पर लिख के खबर भेजी जाती थी, अब डिजिटल माध्यम आ गया है कि सारी चीजें स्मार्टफोन और लैपटॉप और टैब पर, कंप्यूटर पर होने लगी है, तो आप ये डिफरेंस किस तरह से देखते हैं, ये परिवर्तन जो हुआ है? वो जो न्यूज हम भेजते थे लेट आते थे, जरूर लेट आते थे, वो उस वक्त कंप्यूटर नहीं था, वो स्प्रिंट था भी। हाँ। मिला बन के वो उसकी कंपोजिशन करके फिर एक करते थे। उस वक्त पत्रकारिता में आनंद था, वो काम करने वाले खिले जुले बनारे खिले। हाँ। हाँ, उनको अलग लगता था, कोई सा एक सा खिला, और आज जैसी चूक होते है वैसी चूक नहीं होती थी, नहीं चूक होती थी। हर एक काम करने वाला बराबर अपना टाइप करता था, इतना पढ़ने वाला पढ़ के हम
फिर प्रिंटिंग के लिए प्रिंटिंग जाता था। मैं दोबारा उसकी चेकिंग होती थी, आज ऐसा नहीं लगता। इतना साधन आने के बावजूद भी आज गलतियां बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर सुखद नहीं होती थी। साधन नहीं था जाने के लिए, स्टेशन पर्याय नहीं था, कुछ नहीं था। कोई जल्दबाजी जो इम्पोर्टेंट बात में हो तो पार्ट भेजने को बहुत दिक्कत होती। आजकल तो माध्यम बहुत तेज हो गया, फास्ट। आपके रोल मॉडल कौन रहे हैं और किससे प्रेरित होकर आपने पत्रकारिता में एक मुकाम बनाने की कोशिश की? रोल मॉडल वैसे वो दोनों खानविलकर भाई आज जग में नहीं है, नरेंद्र राव खानविलकर, दत्ताजी राव खानविलकर। क्या सीखने के लिए मिला उनसे? नहीं, उनसे ये सीखने का मिला कि लोग प्रवाह के साथ बहते हैं। वो दोनों कांग्रेस ही थे, अपोजिट कैसा जाना ये उन्होंने सिखाया। अच्छा, अपने न्यूज से समाज में कौन सा परिवर्तन होना चाहिए, ये समाज प्रबोधन होना चाहिए, अपने न्यूज से कोई किसी का नुकसान न हो जाए, ये पहला है। मतलब पत्रकारिता आपके लिए क्या रही है? पत्रकारिता ये समाज सुधारने का एक अवसर है, समाज को सच है जो बताना है, जो क्या चल रहा है वो बताना है, किसी का अन्याय होता है वो बताना है, और समाज के लिए जागरूक, जैसे दीप जलाते हैं, दीपस्तंभ समुद्र में आप देखते हैं, हाँ, होड़ी के लिए इधर जाना है। पत्रकारिता वैसे दिशा दिखाने के एक माध्यम है, बड़ा माध्यम है। लेकिन आज जो पत्रकारिता है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये वाकई ये दिशा दिखाने वाली पत्रकारिता आज के दौर में रह गई है? आज के पत्रकारिता के बारे में बोलना ही गलती है। आप जब इस दौर की पत्रकारिता को देखते हैं, पत्रकारों को देखते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए हैं, क्या महसूस करते हैं आप? मैं आपको बताऊँ, उस वक्त पनवेल के 6-5 पत्रकार थे हम, एक बाठिया करके नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी फैमिली है, उनका सब अंतुले साहब, शरद पवार साहब, सब उतर आते थे। वो उस वक्त टेलीफोन नहीं था, वो उसका आदमी भेजते पर हर के गाड़ी पर, उनकी फैट गाड़ियाँ थी, फिर हमको उधर लेके जाते थे और चांदी के थाली में काजू और चांदी के कप में चाय पिलाते थे। आज पत्रकारिता कौन से कैसे चाय पीते हैं आपको तो मालूम है। बिल्कुल, उस वक्त पत्रकारिता का एक दरार थी, गरिमा थी, इतनी आदर थी। अभी बोलते हैं हमको बुलाया नहीं, उस वक्त बुलाने की कोई जरूरत नहीं, उनकी गाड़ी लेके वो एक करते थे, वो अलग सी पत्रकारिता अभी दिखाई भी नहीं देती। आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा तो आप अभी तक बैचलर हैं, और पत्रकारिता को आपने उसी शान और स्वाभिमान के साथ आपने उसको जिंदा रखा हुआ है, और शायद इसीलिए लोग आपको बोलते हैं कि आप पत्रकारिता के विश्वपिता में, जैसे उन्होंने संकल्प लिया था वैसे ही आपने भी संकल्प लेकर पत्रकारिता की गरिमा और उसकी शुचिता को बनाए रखा। कितना कठिन था इस तरह से जीना? बहुत कठिन था साहब, इधर आप आए नहीं, अभी उलवा नोड़ गया, हमारे गांव फटा है, इधर गांव से मेरे 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, एसटी मिलती थी, रात 11 बजे भी पैदल आता था। और कई लोगों के खिलाफ लिखा तो अनेक ऐसी गांव है जिन्होंने मेरे को बहिष्कार डाला था। अच्छा, ओके। किसी न किसी बात में मैं, हाँ, गांव की हम आपको मालूम है, गांव की सरकार जिनको कहते हैं वो मुखिया करता है, ऐसा करो ऐसा होता है, ऐसे बहुत से गांवों ने मेरे को बहिष्कार डाला है। पत्रकार का संघर्ष मैंने नजदीक से देखा है। कोई कोई घटना आपको याद आ रही हो तो वो बताइए कि क्या हुआ था जिसमें आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी? तकलीफ वैसे पत्रकारिता में कैसा है, तो हमारा पेपर बड़ा है, वो नाना साहेब जोशी संपादक थे, उन्होंने ऐसा लिखा, कवि पाटिल एनसीपी में गए और छाप दिया। उस वक्त ऑफिस में शेखा पार्टी के लोग, मैं भी शेखा पार्टी का हूँ, लेकिन ऑफिस में शेखा पार्टी का मोर्चा आया और एक हमारे खिड़की के कांच टूट गई। ये न्यूज शायद संपादक थी, मेरी गई की गलती नहीं थी, लेकिन उसके मेरा सामना करा। अच्छा, तो उसमें भी आपको धमकी वगैरह आई होगी? धमकी नहीं आई कि मैं उस पार्टी का था, उनको बताया गया यह है। दूसरी एक बात है, हमारे यह कोपर करके गांव है, जेमत का,
उधर गांव में एक आदमी को बहिष्कृत किया था। अच्छा, हमने वो छापा तो गांव वाले का प्रेशर आया कि हमने डाला ही नहीं उसको बहिष्कार, लेकिन अच्छा। वो सच था। पुलिस केस था उसका। ओके। हाँ, तो गांव वाले माधव पटेल से किसी ने बात नहीं करना। अच्छा। हाँ, ऐसे तो क्या क्या इस तरह के जब फरमान जब निकलते थे कि भाई माधव पाटिल से कोई चर्चा नहीं करना, कोई संपर्क नहीं रखना, एक तरह का बहिष्कार जो होता था, तो उससे वाकई इसका पालन लोग करते थे? नहीं, बात करते थे। अच्छा। तो मेरे को देख के मुंह मोड़ के जाते थे। देर उलवा करके एक गांव है, अभी नहीं है उलवा। हाँ। मोड़ हो गया। हाँ। वो लोग भी ऐसे मेरे से मुंह मोड़ थे। आपको तब क्या फील होता था कि जिस जनता के लिए हम लोग काम, पत्रकारिता का काम, अच्छा लगता था कि हम तो सच है, तो सच है लिखा है, उन्होंने बहिष्कार, कभी तो गलती होगा। जिन लोगों ने बहिष्कार ये किया वो जय माता के आज खिलाफ है, मैं उनको बोलता हूँ। बिल्कुल। हाँ, उनको बाद में पता चलता है कि मेरा बराबर था, जब तब वो अवसर निकल जाता है। बिल्कुल। लेकिन वो कठिनाई का सामना मेरे को करना पड़ा। अच्छा अच्छा। एक तरह से देखें तो जो मैंने जानकारी आपके बारे में निकाली है कि आपने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। हाँ, नहीं। इस ये जो संकल्प था, उस संकल्प की इतनी शक्ति आपके पास कैसे आई, प्रवाह के विपरीत कैसे आप चल सकते हैं सच के साथ? हाँ। वो आपने सीखा, तो इसमें कितना मदद मिली आपको? नहीं, वो मैं खुद ही किया। अच्छा। हाँ, मैं जिस पाटिल कंपनी के पास वो प्रेसिडेंट थे मीनाक्षी पाटिल भाई भी था, उनको भी कई कई मेरी बातें बुरी लगती थी। अच्छा। लेकिन फिर भी आपने सच का साथ नहीं छोड़ा। मेरे को जब लगा कि उनका अपने के जमतर में अलग हो गए, अभी तक मैं पत्रकार संघ में 12-13 वर्ष गया नहीं। अच्छा। मेरे से जिसका जमता है ऐसे बात करता हूँ, नहीं जमता उसे कभी कितना भी फायदा हो नहीं करता। उनका मेरा रिश्ता है, वो मेरे घर आई थी, बोलते तुम फिर आ जाओ, मैं बोला नहीं, एक दफा नहीं तो नहीं। यही तो सिद्धांत है। यही तो उसूल है। दादा, अगर रायगढ़ को अगर थोड़ा सा उसके ऐतिहासिक महत्व के ऊपर ध्यान दें, तो ये रायगढ़ महाराष्ट्र की इतनी पवित्र भूमि है जहाँ पर स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी बनाई, और इस क्षेत्र को देखें तो इसकी जो जितना ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन उस तरह से रायगढ़ को उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया, उसको आधुनिक आज़ादी के बाद उसको उतना महत्व नहीं दिया गया, उसका उतना उसका उसकी गरिमा को बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई, और जो ये महान भूमि आज़ादी के पहले थी, अब वो उसकी छवि कहीं कहीं धूमिल होती चली गई। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि ये वही रायगढ़ है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी थी। तो आप इसके पीछे, आप इस तरह से इतिहास को जिस तरह से भुलाया जा रहा है और इस गरिमा को हम धूमिल कर रहे हैं, आपको तकलीफ होती है कभी? ये जो राजकारण है, समाजकारण है, इसमें आपने रायगढ़ का नाम तो सुना, कुलाबा किला है समुद्र में। हाँ। इसलिए नाम उसका कुलाबा था, अब रायगढ़ हो गया। हाँ। अभी किसी पत्रकार का पूछो कुलाबा किधर है तो देखना अलीबा बोलेगा। अच्छा। हाँ हाँ, बिल्कुल। रायगढ़ में ऐसे खंडेरी, उंदेरी ऐसे जिले है, तानाजी मालुसरे का उमरठ है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मीनाक्षी पाटिल प्रेसिडेंट था उस वक्त, हमें ऑल महाराष्ट्र के जो पत्रकार एसोसिएशन है महाराष्ट्र की, उस वक्त कुमार कदम प्रेसिडेंट थे। अच्छा। हाँ, वो सभी को उन्होंने दिखाया, रायगढ़ से सभी किले, खांदेरी समुद्र से, ओड़ी से, उंदेरी, कुलाबा, सब दिखाया जो पर्यटन स्थल था, और मर्ड रायगढ़ में आता है देवस्थान, काली आता है, सब दिखाया। इसलिए दिखाया कि ये महाराष्ट्र भर जाए। यस। रायगढ़ का, लेकिन उसका कोई असर नहीं। आप जैसे बोलते हैं महाराष्ट्र, रायगढ़ का महाराष्ट्र के इतिहास पत्र का सरकार ने क्या किया, बात अलग है। कान्होजी आंगरे इधर, यस बिल्कुल, अलीबाग में पैदा हुए। हाँ, बिल्कुल। ऐसे कई लोग मेहमान लोग है उधर ये, लेकिन उतना ये नहीं, प्रेस वालों से उतना मीडिया ने सही तरीके से फोकस नहीं किया, जो इसकी गरिमा थी, इसकी छवि थी, कहीं ना कहीं उसका उसकी उपेक्षा हुई। बिल्कुल। और आज भी आपको लगता है कि वाकई इसी तरह की चीज हो रही है? आज भी पत्रकारिता से जो जुड़े हुए लोग हैं रायगढ़ को उस तरह से फोकस नहीं कर रहे? नहीं, एक न्यूज कभी रायगढ़ में फंक्शन होगा, उसमें न्यूज आती है, बस खत्म बात। रोपवे हो गया, अभी उस रोपवे का क्या वाद है वो छापे, लेकिन रुपये का कैसे हुआ, रायगढ़ कैसा है, ये कुछ नहीं। अभी हाल के दिनों में जो मैं रोज सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि
जो शिवेंद्र राजे भोसले हैं वो रायगढ़ किले के पुनरुद्धार के लिए वो निरंतर वहां का दौरा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, कुछ काम भी चल रहा है। आप उनकी पहल को किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई एक सही पहल है, क्योंकि उन्हीं के घराने के हैं और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उसका इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं, तो कितना उम्मीद लग रही है उनके घर का है तो वो खुद करेंगे ऐसे लगता है। आज ही हमारे पेपर में न्यूज है, उधर का गांव है हिरकनी रायगढ़ के नीचे, वो लोगों ने बोला, उन्होंने जाहिर आरोप किया है राजे पे। राजे बोलते नहीं, वो उनका गलत है ऐसा वो खुद बोल रहे हैं। गांव वाले जो लोकल है जो रायगढ़ से जुड़े है उनको उनका कारोबार पसंद नहीं। अच्छा, किस तरह से आप रायगढ़ को अगर पहल हो पत्रकारिता के जरिए तो किस तरह की पहल होनी चाहिए, आपको क्या लग रहा है, क्या सुझाव आपका? जैसा छत्रपति का पुण्य स्थान है रायगढ़, जैसा राम मंदिर हो, अयोध्या हो, द्वारका हो, तिरुपति हो, जो इतना महान बनाया उसका पर्यटन राजस्थान में जो है, अजमेर है, बिल्कुल सब धर्मीय है, वैसा रायगढ़ को इतना महत्व नहीं दिया, सरकार ने भी दिया, प्रेस वालों ने भी नहीं, उस तरफ से नहीं देखा, जो अंगल है देखना चाहिए, देखना चाहिए वो नहीं देखा। आप क्या सुझाव देंगे कि किस तरह से होना, पत्रकारों को और साथ साथ सरकार को? सरकार का वही मैं आपको बताया, जैसे सरकार ने काशी, मथुरा, राम मंदिर, तिरुपति बालाजी हो या अजमेर हो, सब समाज के हो, लेकिन उन तरह जैसा उन्नत किया है वैसा रायगढ़ को उन्नत करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि रायगढ़ की, रायगढ़ अभी भाषण के लिए रह गया, छत्रपति की राजधानी रायगढ़ इतना ही भाषण के लिए रह गया। अच्छा, अगर पनवेल का भी इससे जुड़ा हुआ इतिहास देखें तो लंबे समय तक यहाँ पर सेकाप और उसके बाद कांग्रेस और फिर अब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की अभी सत्ता एक तरह से है, लेकिन जिस लिहाज से पनवेल क्षेत्र का विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया, आप इसके लिए किससे जिम्मेदार मानते हैं, कि कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए? पहले कैसा सेका पार्टी के डीबी पाटिल एमएलए थे, एमपी भी थे, मैं उनके करीबन था, लेकिन सेका पार्टी का सिद्धांत है कि संघर्ष डेवलप काम नहीं है। हाँ, जैसा गणपत राव देशमुख भी शेखा पार्टी के, लेकिन उन्होंने उतना उन्नत किया, साखर कारखाना निकाला है, सब निकाला है, ऐसा इधर नहीं है, तो स्कूल खोला इतना ही। और अपोजिट पार्टी होने के बाद शासन ने भी ये नहीं दिया, शासन ने भी जो करना था सुविधा वो भी नहीं, वो भी नहीं दिया। कांग्रेस की भूमिका कैसी रही? कांग्रेस की भूमिका, कांग्रेस अपनी मांगे करते हैं, लिफाफे देते हैं, ये करो वो करो, इतना पावरफुल और पॉजिटिव नहीं। अच्छा, कॉन्क्रीट काम ऐसा नहीं किया, एक समझो एक सारी सोसाइटी भी नहीं निकाली मेरे ख्याल से। अच्छा, एक स्कूल नहीं निकाला। अब आप अगर देखें तो मैं अगर 15 साल का, सिर्फ 15 साल की बात करूं तो जब पनवेल में सत्ता थी उस वक्त रामसेठ ठाकुर उनके परिवार की सत्ता थी, तब वो कांग्रेस में थे। अब जब सेका पार्टी में, पहले सेका में थे और उसके बाद जब कांग्रेस में थे तभी उनके हाथ में सत्ता थी, विधायक भी हो रहे और महानगर पालिका भी उनके हाथ में रही। जब वो भाजपा में आए, नगर पालिका थी, हाँ नगर पालिका थी, और जब भाजपा में आए तो भी विधायक रहे और महानगर पालिका बन गई, अभी भी उनके हाथ में है। उनके प्रयास जो है पनवेल के विकास को लेकर किस दिशा में है, आप उसे कितना सकारात्मक मान रहे हैं? उन्होंने वैसा काम करना शुरू किया है कि पुरानी जो तरह उन्होंने उसका डेवलपमेंट जो है, नोवेल सिटी ऐसे आपकी पुरानी है, जो रास्ते विस्ते कहते हैं उनको बहुत अड़चन आती है, इसके लिए पानी का प्रॉब्लम है। हाँ, और महानगर पालिका इतनी लंबी है कि थाना के हद तक जाती है, किरौली गांव तक। अच्छा, उसमें गांव भी है और गांव का डेवलपमेंट करना अभी उनको 3 बरस हो गए, उनका प्रयास है। कुल मिलाकर अगर देखें तो जो आज भी सत्ता में लोग हैं प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था वो भी अभी अधूरा है। नहीं हुआ। आपके लिहाज से पनवेल में एक पत्रकार के नाते, एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते, चूंकि अभी भी आप सक्रिय हैं और उसको गंभीरता से देख रहे हैं, आप राजनीति भी देख रहे हैं, डेवलपमेंट भी देख रहे हैं, महानगर पालिका की भूमिका भी देख रहे हैं, सबसे बड़ी बड़ी चुनौतियां क्या है, 4-5 जो बड़ी चुनौतियां क्या है? सबसे पनवेल का प्रॉब्लम पानी का है। अच्छा, पानी का है और जो गांव उनमें जुड़े हैं
उधर स्वच्छता का प्रॉब्लम है। अच्छा, और पनवेल का जो रस्ते है अरुद्ध रस्ते बोलते हैं, सकरे रस्ते हैं, राड़ो विस्तार करने जो जो होना चाहिए। यस, वो खेड़े गांव में चैत्र मास आने के बाद पानी नहीं रहता। ग्रामीण रूरल एरिया में पानी का बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, शहरी इलाकों में तो है ही। हाँ, पनवेल में ऐसी गांव है सारस करके एक किला के करनाला किला के ना, उधर रास्ता ही नहीं। अच्छा, ओके। अब मैं एक सवाल आपसे प्रकरणग्रस्तों के बारे में पूछना चाहता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो पनवेल और रायगढ़ का जो ये खासकर उरण और पनवेल का जो इलाका है, यहाँ पर बड़े बड़े उपक्रम लगे हुए हैं। ONGC लगी पहले, उसके बाद JNPT आ गई, SEZ विकसित हो रहा है आपके, हाँ, और आपके एयरपोर्ट अभी डेवलपमेंट हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय, हाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है। लेकिन जिन किसानों की जमीन इन परियोजनाओं में गई, उपक्रमों में जिन किसानों ने अपनी जमीन दी, आज भी वो अपने पुनर्वसन के लिए, अपने मुआवजे के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अभी भी ये गंभीर मामला जो पुनर्वसन का और उनके मुआवजे का बना हुआ है? पहले से था साहब, सिडको DB पाटिल साहब कहते थे कि हिंदुस्तान में सबसे बदमाश संस्था है तो सिडको, वो बोलते है वो करते नहीं करते। उन्होंने नोट बढ़ाया, लोगों की जमीन लिया, उनका मुआवजा देना है, उसके लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये कितने साल से चला है, ये किसी को नहीं हुआ। कौन से पार्टी ने अपयास किया लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, नहीं हुआ ये। हाँ, और उनका अभी मुआवजा देना है। अब मैं आपको बताऊँ कि मेरा उलवा नोड में इतने डेवलप किया है, उधर स्मशान भूमि नहीं है। अच्छा, इधर क्या सिडको में रहते हैं लोग, मरते नहीं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही। इतना अभी कोरोना का संकट है, सिडको का सादा हॉस्पिटल नहीं, जो आरोग्य सुविधा है वो नहीं। वो सब नवीन पनवेल में भी देखे साहब, उधर भी स्मशान भूमि नहीं है। तो सिडको ने डेवलप ऐसा कुछ नहीं, बिल्डिंग डेवलप किया लेकिन डेवलपमेंट का कुछ काम नहीं। वो सिडको कहती है कि सुनियोजित शहर बसाया उसने, कहाँ सुनियोजन दिखता है? जहाँ पर विद्यालय की जरूरत है विद्यालय नहीं है, जहाँ पर हॉस्पिटल चाहिए हॉस्पिटल नहीं है, और नैसर्गिक जरूरत के लिए जो इस तरह की चीजें हैं, शमशान भूमि और दूसरी सुविधाएं आज भी नहीं है, नागरिक सुविधा मार्केट नहीं है साहब, मार्केट नहीं है ये। हाँ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है आपको लगता है? क्या जो स्थानीय नेता थे उन्होंने, जो पुढ़ारी थे उन्होंने ठीक से इसको परस्यू नहीं किया, अपने फायदे में लगे रहे, या वाकई सिडको की इतनी मनमानी थी जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम ऐसी? DB पाटिल साहब जाने के बाद प्रशांत ठाकुर भी चेयरमैन थे, लेकिन सिडको का चेयरमैन सब MD रखता है अपने को मालूम। हाँ ये चेयरमैन नाम के लिए होता है, और उन्होंने चर्चा करके बैठक बुला के ये करेंगे वो करेंगे, उस मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं देता। ये सर सिडको ने बिल्डिंग बहुत बड़ा अच्छा बनाया, ये बराबर है। खारगर में आप देखो तो बोलता है सर आशिया खंड में नहीं है, अभी वो तरगर स्टेशन बन रहा है वो आशिया खंड में नहीं है, रेलवे स्टेशन। हाँ, ये स्टेशन सिडको ने बनाया है, लेकिन गांव वालों के लिए कुछ ऐसा जो जरूरत है इसकी जरूरत है वो कुछ किया है। एक अहम सवाल है, पनवेल महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी है, आप उरण में देखें तो इसी तरह से महागाड़ी और कंबाइंड जो उरण की भी बीजेपी के, बीजेपी की, वो बीजेपी समर्थी है। हाँ, दोनों अगर वहाँ की नगर पालिका है और यहाँ पे महानगर पालिका है, आज भी बहुत सारा डेवलपमेंट दोनों ही नगर पालिका महानगर पालिकाओं में लंबित पड़ा है। इसके लिए जो स्थानीय प्रशासन है वो भी पूरी तरह से समस्याएं सुलझाने में सफल नहीं हो रहा है, और जो नगराध्यक्ष या जो महापौर हैं उनको कोई चिंता नहीं पड़ी है। आपको नहीं लगता है कि इस तरह का शासन पूरी तरह से विफल है, इसका कोई जरूर उसकी कोई जरूरत ही नहीं है? नहीं, वो बोलते हैं हम प्रयत्न करते हैं, पेपर में छापते हैं, लेकिन उसका फलद्रुप जो फल अस्तित्व नहीं दिखता। हाँ, तो जिसका अस्तित्व नहीं दिखता उस प्रयास का, उस प्रयत्न का फायदा क्या? विफल ही है। हाँ, कुछ मैं आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक दो सवाल रह गए आपसे, कि पनवेल और रायगढ़ में सैकड़ों पत्रकार संगठन है, तमाम मीडिया संगठन है, सभी संगठनों का एक ही उद्देश्य उनके बैलाज में लिखा रहता है कि जो भी श्रमजीवी पत्रकार हैं या जो पीड़ित पत्रकार हैं उनके लिए न्याय के लिए प्रयत्न करेंगे। लेकिन आज संगठन होने के बावजूद भी पत्रकारिता का स्वरूप और भी पनवेल में रायगढ़ में बिगड़ते जा रहा है,
तो आप एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपने खुद लीड भी किया है संगठन को, क्या कहेंगे सर इन पत्रकार संगठनों के बारे में, इनकी भूमिका के बारे में क्या? छोड़ो आप, पनवेल में 8 प्रेस क्लब है, 8। मैंने प्रयास किया सबको, लेकिन किसी का किसी को जमता नहीं। और जिसका जो अस्तित्व चाहिए सबको कैप्टन बनना है, वोट तो एक है तो कैप्टन सबको बनना है, सबको बनना है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आपकी बेबाक राय चाहिए मुझे। पत्रकारिता के नाम पर आजकल पनवेल में बहुत बड़ा एक्सटॉर्शन का भी काम चल रहा है, चल रहा है, बड़े पैमाने पे चल रहा है, तमाम शिकायतें आ रही हैं, कई तो कंप्लेंट भी दर्ज हो चुके हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो आदत है पत्रकारों की, ये कहीं ना कहीं खतरनाक दिशा में पत्रकारिता को लेकर विनाश की ओर जा रही है, विनाश की ओर जा रही है। लास्ट स्टेज पे क्या है, अभी खंडनी का गुन्ना पत्रकार में कोई होता है तो क्या बोलेंगे, वो कैसी पत्रकारिता है? आने वाले बच्चों को आप क्या राय देना चाहेंगे जो पत्रकारिता में अभी करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, उनको मेरा इतना ही कहना है नम्रता से कि आप पत्रकार है, आप समाज के लिए जो कुछ अपना ऋण मानते हैं, समाज के लिए कुछ करना है, इतना ही लिखना, उसको कोई शायद बुरा माने या अच्छा माने, जो अनिष्ट प्रथा है पत्रकारिता में आने वाली उसके ओर ध्यान न दे। अच्छा, अपने रास्ते से सही तरह से चले। दो रास्ते होते हैं, खड्डे में जाने वाला, एक सरल जाने वाला। हाँ, और सरल जाने में रास्ते में टाइम लगता है, लेकिन मंजिल तक पहुंच जाते, ऐसा उसने करना चाहिए। मैं 3 लोगों के बारे में आपसे पूछूंगा, आपको अपने तरफ से आपको बताना है। विवेक पाटिल के भविष्य को आप किस तरह से देखते हैं, उनका भविष्य आगे क्या है? उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता सर। प्रशांत ठाकुर के भविष्य के बारे में आप क्या कहेंगे? प्रशांत ठाकुर युवा है, और उनका रामशेठ ठाकुर, प्रशांत ठाकुर मीन्स रामशेठ ठाकुर, वो शुद्ध उदार है, खर्च करने वाले है, समाज के लिए उपयोगी है, उसका बाप का फल सन को शायद मिलेगा। आने वाले 15 सालों में आप किसे देख रहे हैं जो पनवेल, खासकर ये पनवेल और रायगढ़ में एक सक्षम नेतृत्व के तौर पर, सबसे बेहतरीन लीडर के तौर पर उभर कर सामने आ सकते? अभी तो मेरे कोई दिखाई नहीं। अच्छा, पत्रकारिता में जो जितने भी ये अवरोध आ रहे हैं, या बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय भी हो रहा है, बहुत सारे पत्रकार अपनी रिपोर्टिंग के जरिए, जो अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, और इस दौर में जिस तरह से सरकार से मदद मिलनी चाहिए, या जिस तरह के कानून की जरूरत है, वो आज भी नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे पत्रकारों के लिए, किस तरह के सुरक्षा कानून बनने चाहिए? पत्रकारिता के लिए, पत्रकार को इसलिए सुरक्षा कानून चाहिए कि पत्रकार, आपने जैसे बताया, समाज के खिलाफ हो, उसको कुछ इंजुरी हो, कुछ हो, तो कायदा हुआ पत्रकारिता, वो अभी शासन के दरबार में है, पड़ा है, वो कागज कभी नीचे आता नहीं, पत्रकार संरक्षण उसका कोई, अब मेरे को लगता नहीं, 5 साल तो गई और ये 5 साल भी जाएंगे। इस तरह पत्र कवच, सुरक्षा कवच, अब कोरोना का है वो भी आप मांग करते हैं, किधर? हाँ, मिला है? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। सर, कुछ आप अपने तरफ से अगर आप मैसेज देना चाहें जो युवा पत्रकार हैं, नए पत्रकारों को, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, वही मैं बताया कि जो अच्छा है वो अपना लो, बुरा है वो छोड़ दो। बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, जिंदगी में पहली मुलाकात दे दिया, और जैसा कि कहा गया है कि प्रवाह के साथ बहना तो बहुत आसान है, लेकिन प्रवाह के विपरीत बहना बेहद मुश्किल है, और ऐसे दौर में एक सच्चा पत्रकार बने रहना, एक अच्छा पत्रकार बने रहना बेहद मुश्किल है। माधव पाटिल जी ने इस गरिमा को बरकरार रखा, इतने झंझावातों के बावजूद भी उन्होंने पत्रकारिता की जो गरिमा है, उसकी जो सुचिता है, उसको आपने बरकरार रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप इतने लंबे समय से पत्रकारिता के लिए अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, ये सेवाएं आपकी और भी लंबे समय तक जारी रहेंगी, और आपके अनुभव का, आपके ज्ञान का, एक्सपीरियंस का आपको फायदा जो है नई पीढ़ी, जो नए पत्रकार हैं, निश्चित तौर पर उठाएंगे। आपने बहुत अच्छी समझ भी दी है, बहुत अच्छी सीख आपने दी है कि जो बुरा है उसे छोड़ दो, जो अच्छा है उसे अपना लो। हम इतनी उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि जो आने वाले पत्रकार हैं, जो वर्किंग अभी जर्नलिस्ट हैं, इस सीख को, इस सबक को निश्चित तौर पर ध्यान रखेंगे। आज की बातचीत में बस इतना ही, अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा आपसे रूबरू होंगे।
तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत और आप देखते रहिए टीवी वन इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।